नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द नर्सिंग ऑर्बिट के अंदर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही कॉमन टॉपिक, जिसके बारे में शायद ही हम सबको पता लग पाता है कि हाँ भाई ये बीमारी भी कोई हो सकती है, जिसका नाम क्या है, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। और ये बीमारी जो देखने को मिलती है वो नए पैदा हुए बच्चों में देखने को मिलती है। किसमें मिलती है? जो नए पैदा हुए बच्चे मिलते हैं, ठीक है, जिसकी उम्र एक वीक से लेकर छः वीक तक होती है, उन बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलती है। आइए तो जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, क्या ये बीमारियाँ है, कैसे हमें पता लगेगा कि ये बीमारी हो सकती है हमारे बच्चों को, ये बीमारी होगी, और उससे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए तो हम जानते हैं सबसे पहले ये बीमारी होती क्या है, कहाँ की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके नाम से जानते हैं, ठीक है। इससे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे स्टमक का, ये क्या बन गया भाई, हमारा स्टमक का डायग्राम बन गया। तो ये बीमारी होती है भाई हमारे स्टमक की, मतलब कि पेट की बीमारी। इसमें क्या होता है, स्टेनोसिस का मतलब होता है कोई भी जगह का नैरो हो जाना। स्टेनोसिस का क्या मतलब होता है, किसी भी जगह का नैरो हो जाना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो ये स्टमक समझते हैं सबसे पहले, ये क्या है, ये है इसोफेगस, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं या खाने की नली भी बोलते हैं। तो ये स्टमक का ऊपर वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं, इसको ग्रेटर कर्वेचर, इसको लेसर कर्वेचर, ये क्या हो गया, ये हो गई बॉडी। और जो ये वाला पार्ट है, ये हो गया भाई पाइलोरिक, पाइलोरिक रीजन, ठीक है, ये क्या हो गया, पाइलोरिक रीजन। तो ये जो बीमारी है वो कहाँ की है, पेट की है, और पेट में भी कहाँ की, पाइलोरिक रीजन की। तो आइए हम इसका मतलब समझते हैं। देखो हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है किसी भी चीज का साइज बढ़ जाना। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज। पाइलोरिक एक रीजन होता है हमारे पेट के अंदर, और स्टेनोसिस क्या होता है, नैरो हो जाना। इसका मतलब है पेट में जब पाइलोरिक रीजन, वहां के सेल्स के हाइपरट्रॉफी की वजह से वो रास्ता नैरो हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। या सीधे से भाषा में समझा जाए, जैसे खाना जब हम खाते हैं, खाना पहले कहाँ पे जाता है, हम मुँह से खाना खाते हैं, फिर वो खाने वाली नली में जाता है, उसके बाद पेट में जाता है, उसके बाद जाता है छोटी आंत में, ठीक है। लेकिन इस बीमारी के अंदर खाना जब पेट से, क्या कहाँ से, पेट से छोटी आंत के अंदर नहीं पहुँच पाता। इस बीमारी के अंदर क्या होता है, जब खाना पेट से छोटी आंत के अंदर नहीं पहुंच पाता, पाइलोरिक रीजन में स्टेनोसिस या नैरोइंग होने की वजह से, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं हम, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। ये तो हमने जान लिया होता क्या है। अब इसका पता कैसे लगा कि ये है, देखो इसका जो एक मेन साइन सिम्टम्स है, ठीक है, जो एक इसका मेन साइन सिम्टम्स है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ठीक है। जो बच्चे होंगे उनमें बार बार उल्टियां देखने को मिलेंगी। देखो प्रोजेक्टाइल होता है भाई बहुत ज्यादा मात्रा में उल्टियां करना। प्रोजेक्टाइल क्या होगा, जब बच्चा कंटिन्यू बार बार वोमिटिंग करता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। तो बच्चा जैसे ही दूध पिएगा वैसे ही क्या कर देगा, वोमिटिंग कर देगा। क्यों कर देगा, जैसे भाई बच्चे ने दूध पिया, और दूध कहाँ पे आया, दूध आया स्टमक के अंदर,
अब स्टमक से दूध को कहाँ जाना है? छोटी आंत के अंदर जाना है। पेट से कहाँ जाएगा दूध? छोटी आंत के अंदर जाएगा, तो वो यहाँ से फोर्स लगाएगा छोटी आंत में जाने के लिए, लेकिन रास्ता कम होने की वजह से वो क्या होगा, छोटी आंत में नहीं चल जाएगा, इसलिए खाना वापिस कहाँ चला जाएगा? ईसोफेगस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोमिटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई और क्या होगा। देखो बार बार अगर बच्चा वोमिटिंग करेगा तो उसको क्या होगा, डिहाइड्रेशन भी देखने को मिलेगा। क्या होगा? डिहाइड्रेशन भी देखने को मिलेगा। और क्या होगा? माल न्यूट्रिशन। क्या होगा? माल न्यूट्रिशन। और कभी कभी बच्चे में वेट लॉस भी देखने को मिल सकता है। क्या मिल सकता है? वेट लॉस भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है वेट लॉस ना हो। और एक और चीज, वो वही बच्चा फीडिंग के बाद भी हंगरी फील करेगा। क्यों? जैसे ही उसने दूध पिया वैसे ही वोमिटिंग हो जाएगी, और फिर से बच्चा कैसा हो जाएगा, भूखा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कि अब इसको पता तो लग गया भाई वोमिटिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन है, और क्या हो सकता है भाई, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं डायग्नोसिस, कि पता कैसे लगा एक्चुअल में यही बीमारी है या कुछ और बीमारी है, उसके लिए हमें क्या करना होगा। देखो डायग्नोसिस के लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं भाई, अब बार बार बच्चा वोमिटिंग कर रहा है, ठीक है, तो हमें अंदाजा हो गया कि ये बीमारी उसको हो सकती है, लेकिन कंफर्म तो करना है, अभी कंफर्म तो हुआ नहीं, तो कंफर्म करने के लिए हम करते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हमें क्या करते हैं भाई, डायग्नोसिस में जो कंफर्मेटरी होगा वो कौन सा होगा, यूएसजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। इसके अलावा कर सकते हैं एंडोस्कोपी कर सकते हैं अपर जीआई सिस्टम। ठीक है, उसके बाद बेरियम फीडिंग क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम बेरियम फीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इन चीजों से करके हम पता लगा सकते हैं कि भाई बच्चे को सच में ये बीमारी है या वोमिटिंग होने की और कुछ वजह है। सबसे पहले क्या, अल्ट्रासाउंड, उसके बाद क्या, एंडोस्कोपी ऑफ अपर जीआई सिस्टम, उसके बाद क्या करेंगे, बेरियम फीडिंग। ठीक है भाई, हमने ये देख लिया। उसके बाद देखते हैं हम कि ये जो बीमारी होती है इसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, क्या देखेंगे अब हम इसका ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, पाइलोरोमायोटोमी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे भाई कि लेप्रोस्कोपी के थ्रू, किसके थ्रू, लेप्रोस्कोपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, दूरबीन का ऑपरेशन। ठीक है, ट्रीटमेंट भाई इसका सर्जिकल होगा, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, हमें सर्जरी ही करनी पड़ेगी। सर्जरी में भी क्या करेंगे, पाइलोरोमायोटोमी, इसमें क्या होता है, लेप्रोस्कोपी जिसको बोलते हैं दूरबीन के ऑपरेशन को। ठीक है, लेप्रोस्कोपी के थ्रू जो पाइलोरिक रीजन होता है, और जहां से वो क्या था, रास्ता बंद हो चुका था, उस रास्ते को खोल देंगे। ठीक है, उस रास्ते को इंसिजन लगा के कट करके ओपन कर देंगे। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, जैसे ऑपरेशन कर दिया, तो ऑपरेशन करने से पहले और बाद में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो चीजें क्या हैं, मतलब कि प्री ऑपरेटिव केयर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर।
ठीक है, कौन कौन सी, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव में क्या करेंगे, प्री ऑपरेटिव में क्या करेंगे भाई, बच्चे को एनपीओ रखेंगे, मतलब खाने के लिए उसको 6 से 8 घंटे के लिए कुछ नहीं देना ऑपरेशन से पहले। फिर उसका डिहाइड्रेशन के लिए हाइड्रेशन थेरेपी चलाएंगे, हाइड्रेशन थेरेपी, उसके बाद हाइड्रेशन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, उसके बाद न्यूट्रिशनल बैलेंस, पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या करेंगे, किसमें, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जब तक हम बच्चे को खाने के लिए कुछ नहीं देंगे, जब तक उसमें गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट ना हो जीआई के अंदर, कहां पर, जब तक गैग रिफ्लेक्स उसके शुरू ना हो जाए तब तक उसको खाने के लिए कुछ नहीं देंगे। उसके बाद डिहाइड्रेशन, वो आपकी हाइड्रेशन थेरेपी शुरू रहेगी और पेरेंटल न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड करवाना है। तो ये क्या था भाई, पोस्ट ऑपरेशन होने के बाद ये चीज़ें हमें उसको देनी है, और इंसिजन का ध्यान रखना, उसके कहीं पे उसको कुछ लग ना जाए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और भाई आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और कुछ ना समझ में आया हुआ, कुछ आपको गलती लगती हो हमारी वीडियो में, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसका सुधार ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।